बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ का जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज से जितने भी लेक्चर आएंगे सारे डिटेल्स में आएंगे, ठीक है। आपको इसको स्टडी करना है, हर एक लेक्चर को आराम से देखना है, ठीक है, और सीक्वेंस में देखना है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ का जो एक्सरसाइज 6.1 है, लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर से, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बेसिक लेक्चर मैंने आपको समझा दिए थे इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़िए। इन फिगर 6.13 यानी 1.3, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 degree एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 degree, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। हमें सी ओ ई की वैल्यू निकालनी। देखिए, पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो ये सी और ये डी ये लाइन्स है, ये सी और ये डी लाइन्स है, ये ए और बी यानी ये दो लाइन्स है, एक तो ए और एक बी और एक सी और डी। जो ये एक लाइन ए बी और एक लाइन सी डी है, ये आपस में पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल बी ओ ई यानी ये वाला बी ओ ई, ये एंगल यानी ये वाला छोटा सा एंगल ये, और फिर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल यानी ये वाला। इस सी ओ ई को छोड़ करके जो ये एंगल बचता है नीचे वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो देखिए बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया है। अब जो वैल्यू गिवन है, सबसे पहले मैं उसको लिखता हूँ। देखिए गिवन, तो देखिए बच्चों गिवन क्या है, हमें सबसे पहले चित्र में देखिए एक बार। यहाँ पे गिवन है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 degree। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट ओ बोल सकते हैं, ठीक है। ए बी देखिए, ये जो ए बी, जो ए बी और ये सी डी लाइन है, ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट होती है। आपको बी ओ ई निकालना है और सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको सी ओ ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर जो पूरा सेंटर का कोण होता है, जो कंप्लीट एंगल होता है, उसमें से आपको इसको हटाना है सी ओ ई को। इसको मतलब माइनस करने के बाद जो नीचे वाला एंगल बचेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये इसका रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। तो गिवन हो गया। उसके बाद एक बात इसने हमें इसमें होर दी है, चित्र में देखिए ध्यान से, इसमें एक चीज़ इसने होर दी है कि एंगल ए ओ सी बी ओ ई का सम है 70 degree। तो उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 degree, ठीक है। एंड एंगल बी ओ डी की वैल्यू आपको 40 degree दे रखी है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एंगल बी ओ डी की वैल्यू यानी ये रहा एंगल बी ओ डी ये वाले एंगल की वैल्यू दे रखी है आपको 40, ठीक है। चलो, अब यहाँ से स्टार्ट होता है सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। एक बात यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हैं कि जो एंगल बी ओ डी है वो एंगल ए ओ सी का
वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। देखो ये अगर ये लाइन ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट होती है पॉइंट ओ पर, तो ये एंगल ये बी ओ डी और ए ओ सी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इस बात का ध्यान रहे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी के, और रीजन बताना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है चलो, उसके बाद देखिए एंगल ए ओ सी, ए ओ सी की वैल्यू आपको निकालनी है, और इस फिगर में देखिए बी ओ डी की वैल्यू क्या दे रखी है 40। ठीक है तो आपने ए ओ सी की वैल्यू निकाल दी। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है। ठीक है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये हमने ये रिजल्ट हमने कहाँ से निकाला है, क्वेश्चन से निकाला है, गिवन है ये हमें। ठीक है तो ए ओ सी की वैल्यू पुट अप कर लो 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, तो यहाँ से इजीली हम क्या कर सकते हैं एंगल बी ओ ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 70 डिग्री माइनस में 40 डिग्री तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है यानी जो ये एंगल है बी ओ ई इसकी वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। ठीक है और अगर ये बी ओ डी, बी ओ डी ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है चलो अब देखिए बच्चों, ये ए बी एक लाइन है, हमें एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको सी ओ ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है सी ओ ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो उसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूँगा, देखिए ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर जो एंगल बना हुआ है ये एंगल 40, ये 30 और ये सी ओ ई, इस पर तीन एंगल बने हुए हैं और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ए ओ बी, ये ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यदि ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है कितने का बनता है, 180 का। अब देखिए इसके ऊपर कितने एंगल हैं, इस स्ट्रेट लाइन ए ओ बी के ऊपर कितने एंगल हैं, एक ए ओ सी, एक सी ओ ई और एक बी ओ ई, तो इन सब का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो लिखो यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या देना है आपको, यहाँ पे रीजन लिखना है स्ट्रेट लाइन टी आर ए आई जी एच टी, स्ट्रेट लाइन इसका रीजन है कि स्ट्रेट लाइन पर जितने का भी कोण बनता है उन सब को, मतलब जितने भी एंगल बनते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर सबका सम क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है चलो अब देखिए यहाँ पर ए ओ सी की वैल्यू कितनी है 40, यहाँ पे पुट अप कर लो 40 प्लस सी ओ ई, देखिए सी ओ ई की वैल्यू नहीं पता है, सबसे पहले एंगल सी ओ ई को हम फाइंड करेंगे, और बी ओ ई देखिए बी ओ ई की वैल्यू कितनी है 30 है, 30 डिग्री है। ठीक है उसको पुट अप कर देंगे 180 डिग्री, जो आंकिक मान है उनको आप ऐड कर सकते हो, जो लंबर है 40 और 30 कितना हो जाएगा, 40 और 30 कितना हो जाएगा 70। ठीक है 180 डिग्री, उसके बाद एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस करना है, ये वैल्यू जब राइट में जाएगी तो माइनस हो जाएगी 70। एंगल सी ओ ई
इक्वल टू 180 में से माइनस करना है 70, तो कितना बचेगा 110 डिग्री। ठीक है, तो अब आपने एंगल सी ओ ई निकाल दिया है। अब आपको क्या निकालना क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर एक बात हो लिखना है टू फाइंड। बच्चों आपको क्या लिखना है, आपको इसमें निकालना था एंगल बी ओ ई क्वेश्चन मार्क और एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आपको निकालना था, इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें अब निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू। अब देखो एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स का मतलब है कि इस एंगल को छोड़कर बाकी जो एंगल बनता है इसके नीचे, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, रिफ्लेक्स एंगल होता है। यह हम अगर हम जानते हैं कंप्लीट एंगल पूरा, अगर सेंटर की बात की जाए ऊपर, वो सेंटर पर जो पूरा कोण बनेगा, ये पूरा गोल, ये जो पूरा एंगल बनेगा 360 का, इसमें से अगर हम सी ओ ई को हटा देंगे यानी ये वाला एंगल हटा देंगे तो खाली ये वाला एंगल बच जाएगा नीचे वाला, और ये क्या कहलाएगा, सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, 360 डिग्री माइनस में एंगल सी ओ ई को आपको माइनस करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, 360 माइनस सी ओ ई की वैल्यू देखो, यहाँ से पुट करो ये वाली 110 डिग्री, और इसको माइनस कर लो कितना आएगा, 250 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।